अगर आप फंड नूं थोड़ा जिहा डिटेल दे विच देखिए ना कि फंड नूं मैं एलैबोरेट करा, फंड नूं मैं तोड़ के दसा, या आप तोड़ के उस टॉपिक नूं गल करिए, वह सारा कुछ जिहड़ा हैगा तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न दे विच जिहड़ा हैगा तुसीं जस्टिफाई करदे हो, उहदे बिहाफ दे उपर ही तुहाडे जिहड़े हैगे आ फंड्स जिहड़े तुसीं अपनी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल दे विच लाउणे ने, उह तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न की जिहड़ी तुसीं भरी हुई है उहदी कंप्यूटेशन आ, उहनां चीज़ां ने ही उस चीज़ नूं जस्टिफाई करना कि हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एसएस वीजा एंड इमीग्रेशन कोटपुरा तो उम्मीद करता हूँ तुम सारे ठीक ठाक होवोंगे, चढ़ती कला में होवोंगे, जिथे भी होवोंगे अपने परिवार के मैंबरों के नाल होवोंगे। इस करोना महामारी के जिहड़े केसिस हैगे ने वो हुण घटने शुरू हो गए हैं, सो बट प्लीज़ भी इस चीज़ में जिहड़ा हैगा तुसीं लाइट ना लो, अपना परहेज रखो, अपनी प्रिकॉशन रखो, बाहर जाने हो तो अपना मास्क सैनिटाइजर नाल लेके जाया करो, और जरूरत पैनते ही बाहर जाओ, तो जाने भी हो कि भी आप कि अपने क्यू के खड़ना पैंता, लाइन च लगना पैंता, लाइक जिम्मे बैकिंग सिस्टम के जाने उ लाइन च लगना पैंता है, ग्रोसरी स्टोर हो गया या वट एवर कित भी हो गया, तो आपका जोड़ा है दूसरे परसन तो डिस्टेंस जोड़ा है बना के रखो, क्योंकि इस चीज़ के फैलाव में जोड़ा है आप ही रोक सकते हैं, तो अगर आप बचा तो आप दूसरे भी है जोड़ा बचावे। अज आप गल करा जी स्पाउस ओपन वर्क परमिट के फंड जोड़े होंगे वो इन्ना मायना क्यों रखते हैं, क्योंकि एक केस जो रीसेंटली मैं तो एक गल डिस्कस करनी चाहूँगा, मैं सारा कुछ लिखा हुआ उस बच्चे का नाल, तो रीज़न यह है कि फंड जदों किसी भी बच्चे के शो किए जाते हैं तो कई बार की होंगे कला ये मतलब ये नहीं होंगे कि फंड शो करते हाँ जी तुहाडे कोल बैलेंस किन्ना है, या तुहाडे कोल सेविंग दे विच किन्ना बैलेंस आ, या तुसीं अपने उन डॉलर च कन्वर्ट कर लोगे हाँ जी तुहाडे कोल इन्ने फंड आ, दैट मीनस तुहाडा वीज़ा आ गया। अगर आप फंड नूं थोड़ा जिहा डिटेल दे विच देखिए ना कि फंड नूं मैं एलैबोरेट करा, फंड नूं मैं तोड़ के दसा, या आप तोड़ के उस टॉपिक नूं गल करिए, तो फंड दे विच ही सारा कुछ आ जाता है कि तुसीं इंडिया दे विच आपदी तुहाडी इनकम सोर्सिस की ने, दैट मीनस की है कि तुहाडी इंप्लॉयमेंट की है, तुसी एंटरप्रेन्योर हो, तुसी जॉब करते हो, तुसी लाइक खुद का बिजनेस कर रहे हो, जिवें मैं पहले कह के तुहानू हटिया कि तुसी कितें जॉब करते हो, तुसी एग्रीकल्चरिस्ट हो, या तुसी वेले हो, वो तुहाडा स्टेटस मायना रखता है, उहदे नाल ही तुहाडा दसदा कि तुहाडा तुहाडी होम कंट्री नाल टाइज जिहड़ियां हैगियां वो बिजनेस फाइनैशियल टाइज तुहाडियां किदां दियां, वह इस यह चीज़ ने उहनू बयान करना हुंदा। सैकेंडली की है कि फंड दे नाल तुहानू ये देखा जाता है कि इहदे कोल मूवेबल इमूवेबल फंड किन्ने का, जिहदे नाल की आ मूवेबल फंड नूं ये अपना कैनेडा जाता है तो उत्थे जाके अपने जिन्ने टाइम का तुहाडा स्टे आ उन्ने टाइम दे विच अपने स्टे नूं जिहड़ा हैगा ये परसन अपना फंड करन दे योग हैगा कि नहीं हैगा। सो एक निक्का जिहा वर्ड फंड आ, तो यदि परिभाषा नूं देखिए तो यदि लैबोरेशन देखिए तो बहुत वड्डी बन जाती है। सो ये कला ये वेख के नहीं फंड शो किए जाते होंगे कदे कि हाँ जी बस फंड शो करने हैं जी, मैं आपका 10 लाख शो करता, मैं आपका 8 लाख करता, मैं 12 लाख करता, मेरे को इन्हों मैं डॉलर च कन्वर्ट करा लिया, इन्ने हज़ार डॉलर बन गए, ठीक है जी, मैं तो आपका जो स्टे है उन्होंने वो कर लूँगा, फाइनैंस कर लूँगा आपका स्टे जो है, मैं स्टे की फंडिंग मेरे को बहुत आ। जिमें आप पहला गल करके हटे हैं कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट की जी फाइल होंगी आ, स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल के दो जोड़े है बुनियादी थंब होंगे ने, तो रिलेशनशिप स्टेटस और तुहाडे जोड़े है फंड। रिलेशनशिप स्टेटस दे आपां नूं पता है कि उहदे विच आपां की शो करते हैं, अज का टॉपिक अपना फंड नूं लैके आ, जिहड़ी दुबारा मैं इस चीज़ के उपर आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाउण लगे हैं कि फंड जिहड़ा हुंदा है सैकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़ा बुनियादी थंब आ अपनी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल का, इहदी लैबोरेशन मैं तुहानूं दस के हटिया, तो वह सारा कुछ जिहड़ा हैगा एक नज़रिया देखते हुए आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल के अपने फंड जिहड़े हैगे शो करते हैं। तुसी इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया के भरते हो, तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न दे तुहानूं इनकम सोर्स की आ, वह तुहाडा कित्थों आ रहा, वो सारा कुछ जिहड़ा हैगा तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न दे विच जिहड़ा हैगा तुसी जस्टिफाई करदे हो, उहदे बिहाफ दे उपर ही तुहाडे जिहड़े हैगे आ फंड्स जिहड़े तुसी अपनी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल दे विच लाउणे ने, वो तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न की जिहड़ी तुसी भरी हुई है उहदी कंप्यूटेशन आ, उन्हां चीज़ां ने ही उस चीज़ नूं जस्टिफाई करना कि हाँ जी इहदे कोले इह इनकम सोर्स है, तो इहदे कोल जिहड़ा पैसा आ रहा है इत्थों आ रहा। एक आप कह सकते हैं कि हैड होने के नाते आप कह सकते हैं कि हसबैंड वाइफ आ, आपां पता है कि सिख रिलीजन के एक हसबैंड हों, उन्हें आपका परिवार पालना हों, तो आपां पता है कि अगर वो इंडिया के वेला है तो दैट मीनस कि अगर इंडिया के आपके माँ बाप से डिपेंडेंट हैगा तो उधर जाके की करेगा, अगर वो इंडिया के अपनी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा, इंडिया के किसी टाइप की जॉब नहीं कर रहा, एडा हो गया उसकी मैरिज होगी तो उत्थे जाके की करेगा, दैट मीनस क्या कि इंडिया के अगर वोदियाँ टाइज जगियाँ स्ट्रोंग नहीं है, टाइज वोदियाँ जड़ियाँ है ठीक नहीं है, तो आपको पता है कि उतों मुड़ता नहीं कैनेडा तो वापस, तो सो यारियाँ चीज़ें जड़ियाँ है कितना कितने मायना रखदियाँ। जिमें कल एक बच्चे की
उन्हें आपकी रिफ्यूजल डिस्कस की नाल आके तो उन्हें ये चीज़ लिखी हुई सी अपनी कि मेरे जिहड़े मेरे कंसल्टेंट ने फंड शो किए ने जी, मेरा 14 लाख रुपया मेरा जिहड़े हैगे मेरे फंड शो किए गए ने, जिहड़े मेरी लास्ट उन्हें आपकी फाइल लाई सी उहदी दो बार रिफ्यूजल आ लड़के जी, वह भी दोनों बार जिहड़ी हैगी फंड की वजह नाल आई आ, सेम कंसल्टेंट ने उहदी फाइल लगाई है। उन्होंने मैं पूछा मैं कहा तुम की काम की करते हो या थोड़ा पैसा कितों आ रहा, उन्हें आपकी इनकम टैक्स रिटर्न दिखाई, एक तो लड़का एग्रीकल्चरिस्ट है क्योंकि अपने पंजाब दे विच 90% आप कह सकते हैं कि सारे एग्रीकल्चर करते हैं जिहड़े स्पाउस अपना वर्क परमिट की फाइल लाते हैं, तो नाल दी नाल की किया बच्चा जिहड़ा है एजुकेटड है वो मास्टर्स की हुई है, तो जिहड़ा है उन्हें अपनी एक प्रॉपर ट्यूशन अकैडमी भी हैगी जिहड़ी उहदी ओपन की हुई है, आप नहीं कह सकते कि उन्हें फेक बना के लाई है, वो कागजां च ही है प्रॉपर उहदी एक ट्यूशन अकैडमी है जिदे तो उन्हें टीचर हायर किए हुए ने नाल, वो आपकी जी सबजैक्ट की स्पैशलाइजेशन हैगी टीच करता, बाकी उन्हें नाल टीचर हायर किए हुए ने, एक प्रॉपर ट्यूशन अकैडमी चला जी हैगी इनकम जी है उन्हें आपकी आई टी आर के प्रॉपर शो की हुई है, बट जी हैगी टोटल ग्रॉस इनकम की आप गल करके चलीए अगर क्योंकि वो जी है एग्रीकल्चर इनकम आँदी आ पूरे साल की, आप दोनों फसलों की गल कर लीए तो दोनों फसलों की इनकम जी है मिला के ते प्लस ट्यूशन की इनकम जी साल की करके तो वह बच्चे की इनकम जी है 3,70,000 रुपये की लास्ट जी है उन्हें आपकी आई टी आर जी भरी आ जी उन्हें आपकी फाइल च लगाई सी। आप एक गल देख लीए जी कि 3,70,000 एक बंदे की साल की इनकम है, वो आप कह सकते हैं कि उन्हें आपका घर का खर्चा भी चलाना है, आपके एक्सपेंसिज भी उन्हें क्ढने ने, वाइफ में बाहर लोड पैंती है तो उन्हें उत्थे भी जोड़ा है उन्होंने पैसा देना है, तो वह आप वेख लीए कि वह आपके थोड़े समय के 14 लाख रुपये किमें सेव कर सकता, ये भी एक मायना रखता क्योंकि एक बंद की साल की इनकम तो वो 4 लाख भी पूरी नहीं हो रही, तो सेविंग अकाउंट के आप 14 लाख रुपया दिखाई जाने तो कितना ना कि जोड़ा है इस चीज़ पर डाउट खड़ा हो जाता है। सो उरी जी कैप्स नोट उन्हें दिखाए, कैप्स नोट के रीज़न लिखा आया कि उन्हें जोड़े फंड लए हुए थे उन्हें अपने मदर की सपोर्ट ली अपने फादर की सपोर्ट ली, तो वह सारी चीज़ जी एक होंगी हुई क्यों क्योंकि अगर वो बच्चे जरूरी नहीं होंगे कि आप 13 लाख 14 लाख 20 लाख 17 लाख 12 लाख इन्ने फंड शो करने ने, एक कोई पैसे की दौड़ नहीं चल रही इस चीज़ को लैके कि मैं जिन्हें वो शो करूँगा मैंने उन्ना वीज़ा छेती मिलेगा, तो उसी सिर्फ वीज़ा ऑफिसर को जस्टिफिकेशन देनी होंगी है कि मैंने इन्ने सोर्सिज आ रहे हैं तो मेरे को इन्ने फंड मेरे आपके पे ने जो कि है कि मैं बाहर जा रहा मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करना मैं आपकी वाइफ में मिलने जाना तो मैं उत्थे आपके की है जो स्टे है फाइनेंस कर सकाँगा मैं आपके स्टे फंड कर सकाँगा मैं ना वो डिपेंड होव ना मैं गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा से डिपेंड होव मैं आपके जोड़े है सफिशेंट मैं आपका पैसा जोड़ा है इन्नी आई एन आर है मैं इन्ना कैट के जाने के कैनेडियन डॉलर के मैं उन्होंने लेके जा रहा तो मेरे लिए इनफ है। बट हुण इहदी इस बच्चे की आप गल कर लीए तो ये की किया गया कि हुण देखो बच्चा खुद भी एक इंपलॉयड आ उन्होंने पता है कि और हाँ दूसरी गल कही तो जमीन भी जी है बच्चे के नाम पर आप यह नहीं गल कह सकते कि फादर का सपोर्ट एफीडेविट लग गया, जमीन की इनकम बच्चे की आपकी आँदी है जे फार्म वो आपके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री वो नाम पर है जमाबंदी के नाम है दैट मीनस कि जमीन का प्रॉपर जो इकलौता मालिक वो आप है, नाल दी नाल ही उहदी ट्यूशन अकैडमी हैगी जी ट्यूशन अकैडमी का सोर्स आ रहा, तो जे आप देखिए तो ये वे जो वध पैसा शो करना चाहिए तो वध पैसा शो करने के चक्कर के फादर तो जोड़ा है वो चैक ले गए कैश जोड़ा है वह खाते के ज़्यादा जोड़ा है जमा कराया जाता सिर्फ इन्ना पैसा शो करने वास्ते, तो कैप्स नोट के भी वीज़ा ऑफिसर ने उन्होंने एक चीज़ लिख के भेजती कि मैं सैटिस्फाइड नहीं है क्योंकि 2-3 एंट्रियां इन व्डिया वजी हुई हैं कि मैं नहीं सैटिस्फाइड है कि यह फंड तेरे ने क्योंकि आपको भी पता है कि एक बंदे की साल की इनकम तो 3,70,000 है तो 14 लाख वो कितों सेव करी जाता। सो जो भी तुम आपके फंड शो करते होंगे हो तो फंड शो कर लगे इस चीज़ का बखूबी ध्यान रख्या करो कि जो भी मैं आपके फंड शो करने सब तो पहला देखो कि थोड़ी इंप्लॉयमेंट जी है वह है कि तुसी जॉब करते हो तो जॉब के तहे इंपलॉयर के वालों प्रॉपर थोड़े डॉक्यूमेंट होने चाहिए आई जी सैलरी आ कोशिश कराया करो कि सारी सैलरी थोड़ी अकाउंट पे सैलरी होनी चाहिए आज कि सैलरी इंपलॉयर के दते हुए लैटर तो अकाउंट स्टेटमेंट जो है उस चीज़ को जस्टिफाई कर दें तो ही आप उस चीज़ को कह दें कि हाँ एक लीगल है क्योंकि उदा ही लिख के तो आप किसी तो भी लै लेंगे तो बंदा जे बहुत सारे कंसल्टेंट है आप भी बना बना लाई जाते हैं पर बच्चे उस चीज़ का पता नहीं होंगे। सैकेंड गल होंगी है जी तुम अगर तुहाडा खुद का बिजनेस है तो तुहाडियां बिजनेस डिटेल तुहाडे कोल होंदियां अगर किसी का लार्ज हाई स्केल पर बिजनेस हैगा उहदियां बैलेंस शीट बनदियां ने उह तो तुहाडे सीए नूं सारा कुछ पता होंदा तुसीं उहदे तों जिहड़ी हैगी अपनी डिटेल सारियां हैगियां अपने फंड्स दियां लै सकदे हो तां जो उहदे नाल तुसीं अपनी जिन्ने सेविंग अपनी शो कर रहे हो जिन्ने अपने फंड शो कर रहे हो अपनी फाइल नूं सपोर्ट करन वास्ते उस चीज़ नूं तुसीं जस्टिफाई करन दे जिहड़े हैगा उह काबिल हो जाओ।
अगर तुम कल एग्रीकल्चरिस्ट हो तो पता है कि हाँ जी मैं खेती करता है मेरे को इन्नी पैली आ या मैं की है कि मैं जमीन जी है नाल किसी तो मैं लीज़ से यानी कि ठेके से लैके मैं नाल वाह रहा जमीन ठीक है जी वह तो सारिया चीज़ा है तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा उहदा एक आप कह सकते कि सॉलिड तुहाडे कोल उस चीज़ का एविडेंस या सॉलिड तुहाडा एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए ता जो तुहाडी जिहड़ी कही हुई गल नूं जिहड़ा हैगा जस्टिफाई करने वाला एक पेपर तुहाडे दे कोल जिहड़ा हुंदा उह होवे किसी भी मगर लग के प्लीज़ ऐ ना करया करो कि तुसी हाँ जी अगले ने कहता इन्ने फंड शो कर दो तुसी कोई गल नहीं जी कैश पा दो ऐ हो ही जाना कैश पाई चलिया करो कोई चक्कर नहीं ऐ तो किन्ने पुछना हुंदा बट ये सारिया गल्लां जिहड़ियां हैगियां निक्कियां निक्कियां मायना रखदियां आप बच्चे की गल कर लिए बच्चा आपका एक सैल्फ सफिशेंट हैगा कि आपका खुद का बिजनेस करता खुद की अर्निंग कर रहा वो डिपेंडेंट किसी पर नहीं है ना अपने मदर से डिपेंड है ना फादर से डिपेंड है बट फिर भी जिहड़ा हैगा उसकी प्रोफाइल नूं शो करन लगे ये चीज़ बना दी गई है कि वो बच्चा आपके आप से कह सकते कि आत्मनिर्भर नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स जिहड़ा हैगा टोटली डिपेंड है तो करके कितना कितने तुहाडी फाइल नूं जिहड़ा हैगा वो वीक कर दिंदा सो इन लास्ट मैं यही कहना है जी कि जो भी तुसीं अपनी फाइल दे विच सपोज़ अपन वर्क परमिट की फाइल के लिए फंड शो करते हो तो फंड शो करन लगे इस चीज़ का बखूबी ध्यान रख्या करो कि जो भी तुसीं अपने फंड शो करने ने तो पहला देखो कि मैं आपकी अर्निंग किन्नी शो कर रहा तो मैं आपकी सेविंग किन्नी शो करनी है तो कितना कितने जी है उस चीज़ वो चीज़ एक जेन्यून हो ही उस चीज़ की जस्टिफिकेशन दूसरे बंदे करवानी भी सौखी है दूसरे बंदे समझना भी सौखा होंगे स्पैशली आप गल कर लिए कैनेडियन हाई कमीशन एक वीज़ा ऑफिसर तुसी अपनी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल प्रोसैस करवाना चाहते हो अपनी कैनेडा स्टडी वीज़ा की फाइल प्रोसैस करवाना चाहते हो तो सूँ मिल सकते हो साडे हैड ऑफिस ग्लोबल असैस वीज़ा एंड इमीग्रेशन नेड़े कोटपुरा डेनगर सर्विस जतो रोड कोटपुरा डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट आके तुसी सानू कॉल कर लियो उस तो पहला आन लगे साडा नंबर है जी 770785037 7078500037 वर्किंग आवर है नहीं सुबह 9 बजे तो लैके शाम के 4 बजे तक जो है ऑफिस जो है हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोविड गाइडलाइनस के अकॉर्डिंग जो हों कि आप ऑफिस होंने तुसी सानू आके मिल सकते हो अपने डॉक्यूमेंट जिहड़े हुंदे आ नाल लैके आया करो और आन लगे अपना मास्क जरूर पा के आया करो सैनिटाइजर नाल लैके आया करो कोविड 19 दी जिहड़ी प्रिकॉशनस हैगियां उहनू प्रॉपर मानते हुए प्रॉपर उहनू अमल दे विच लियाउंदे हुए जिहड़ा हैगा तुसी मिलना आया करो धन्यवाद।